सबसे पहला प्रश्न है, देखिए ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तावित किया, ऑप्शन पर देखिए और बताइए ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या प्रस्तावित किए थे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्रभाविता का नियम, उत्परिवर्तन का सिद्धांत या पृथककरण का नियम, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, जो कि सभी लोग का ऑप्शन सी आ रहा है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, जो कि बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है। जल्दी से आप लोग बतलाइए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किस बीमारी के रोगजनक है, अमीबियसिस, टिटेनस, टाइफाइड या फिर चिकन पॉक्स, जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे देखिए टाइफाइड, यहाँ टाइपिंग गलत है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सही दिया हुआ है, टाइफाइड या चिकन पॉक्स, जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में यहाँ पूछा हुआ है, जल्दी से बतलाइए किस बीमारी के रोगजनक है। आप लोगों का आंसर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, अमीबियसिस हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए सुपोषण इनमें पाया जाता है, जल्दी से बताइए सुपोषण किस में पाया जाता है, पर्वतों पर, कृषि एवं भूमि में, लवण मृदा में या फिर झील में, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन ऑन माउंटेन्स, इन एग्रीकल्चर लैंड, इन सेलाइन सोयल या फिर इन लेक्स, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इन लेक्स हो जाएगा, यानी कि झील में पाया जाता है सुपोषण। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, जल्दी से बताइए अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, वायु प्रदूषण, ऑटोमोबाइल प्रदूषण, जल प्रदूषण या कीटनाशक प्रदूषण, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा अम्लीय वर्षा का क्या कारण है और कौन कौन से इसको में कौन कौन से गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। जल्दी से आप लोग जल्दी से बताइए कौन कौन से गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। इसको में जो है ना वो वायु प्रदूषण के कारण होता है, लेकिन वायु में NO2 और SO2 के कारण होता है, वायु प्रदूषण में NO2 और SO2 वायु में रहता है, इसी के कारण अम्लीय वर्षा होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या फेलोपियन नालिका में, जल्दी से आप लोग बताइए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास और लाइक ज़रूर कीजिएगा और जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। सभी लोग का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन डी फेलोपियन नालिका में, मानव का निषेचन फेलोपियन नालिका यानी फेलोपियन नालिका में ही होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर लेडी कोशिकाएं पाई जाती है, जल्दी से बताइए लेडी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, लेडी सेल्स ओक्योर कहाँ होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृषणों में, ऑप्शन सी ब्रिक में या फिर ऑप्शन डी आंत में, जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए कॉपी पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और सभी क्वेश्चन आज के इम्पोर्टेंट ही है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वृषण में पाया जाता है लेडी कोशिकाएँ। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा, ग्लोमस, राइजोबियम, नोस्टॉक या फिर एगेरिकस, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा अंतः कवक मूल का उदाहरण, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है ग्लोमस, सभी लोग का ऑप्शन ए आ रहा है ग्लोमस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए ही होगा ग्लोमस, सभी लोग का सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसको आप लोग बतलाइए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसको मान सकते हैं आप लोग, जल्दी से बतलाइए डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप
अनुपात है, जल्दी से बतलाइए। ये इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी से बतलाइए। द एफ टू फिनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, जल्दी से बतलाइए। इसको तो ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग पहले ही बतला दिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 9:3:3:1 बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए आपके स्क्रीन पर और जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बतलाइए। आलू से, ब्रासिका नेपस से, टमाटर से, या फिर ओसिमम सेक्टम से, जल्दी से आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग का तो आंसर पहले ही आ जा रहा है लेकिन कुछ लोग का सही है, जल्दी से आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है, ब्रैसिका नेपस से ही प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, जल्दी से बतलाइए किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देती है, जल्दी से आप लोग बतलाइए। ऑप्शन ए गुलमोहर, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी दहलिया, या ऑप्शन डी पिटूनिया, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, एक बार फिर से कह दे रहे हैं क्लास डेली हो रहा है इस चैनल पर, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दहलिया हो जाएगा इसको, जो कि सूर्यमुखी भी इसको बोलते हैं, सूर्यमुखी का फ्लावर्स होता है दहलिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है देखिए, निम्नांकित में से प्लाज्मिड कौन है, जल्दी से बतलाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड, बाम H1, इको R1, PBR 322, या फिर HIND 2, जल्दी से बतलाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, आप लोग जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन सी PBR 322, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जल्दी से बतलाइए। और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए जो नहीं किए हैं, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है।